कभी सरकार के सबसे बड़े अधिकारी के घर में चोरी, तो कभी मंदिरों को चोर बनाते हैं निशाना। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेश भैराणी, आप जुड़े हैं अशोक से राह फेसबुक पेज से। साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही हैं, बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। कलेक्टर बंगलो के पीछे की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर महादेव मनोकामना पूर्ण मंदिर है। आप देख पा रहे हैं, ये लोग तिजोरियाँ जो है इन लोगों ने नहीं खोली है। ये तिजोरिये जो है वो रात को कुछ चोर जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर चोर आए थे, उन चोरों ने मंदिर में हाथ साफ कर दिया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि लाखों रुपए जो इस मंदिर के तिजोरियों में रखे हुए थे वो चोर लेके चले गए। और इस घटना की जैसे ही जानकारी मिली तो कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची है, और सीसीटीवी के आधार पर कोतवाली जो पुलिस मौके पर पहुंची है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कलेक्टर बंगलो के पीछे आखिर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो सकती है? क्या पुलिस की गश्त नहीं रहती है? अगर गश्त रहती है तो कलेक्टर बंगलो के पीछे एक मंदिर में दो तिजोरियों को एक साथ चोरों ने उड़ा लिया। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चोरों ने मंदिर में जो दो तिजोरियाँ थी उनके ताले तोड़ दिए, उनके अंदर रखे पैसे जो थे वो लेके चले गए। इस पूरे मामले को लेकर, चोरी की पूरी घटना को लेकर मंदिर के जो पुजारी हैं उनका क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। और हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह के चोरों के जो हौसले बुलंद हुए हैं चोरी करने के, उस पर अंकुश लगा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पौने दो बजे से लेकर 2:15 बजे बीच में चोरी हुई, जिसमें संदिग्ध 3 लड़के आए हैं। वो रात को 2:15 बजे के आसपास मंदिर के मेन गेट को ताला तोड़ के अंदर घुस गए, तिजोरियाँ तोड़ के वो 20 मिनट तक पूरे मंदिर में घूम घुमा के पीछे आगे पीछे घूम के और चोरी करके, और एक पीले रंग के कपड़े के अंदर पैसा सारा बांध के तिजोरी का और लेके जाते हैं। इसमें एक दो लड़के मंदिर के अंदर आए और एक लड़का बाद में उसे चक्कर लगाता रहा और फिर वो उनके साथ बैठ के फरार हो। सुबह जब 5:30-6 बजे के आसपास मैं मंदिर खोलता हूँ, उस टाइम आया मंदिर तो बाहर का गेट खुला देखा, अंदर आके देखा सब स्थिति बिगड़ी हुई थी। पुलिस को फोन किया, कोतवाली से श्री गौरलाल जी करके कोई अधिकारी आए हैं और वो भी पूरी जांच वाँच करके और भी रिपोर्ट अभी उन्होंने कहा कि थोड़े समय पश्चात आप लिखित में दे दीजिए, वो अभी पड़ जा सकते हैं। घटना पूरी सीसीटीवी फुटेज में पूरी कवर्ड हो चुकी है, लड़कों के चेहरे 90% तक क्लियर है और पुलिस का कहना है कि आराम से पकड़े जाएंगे। ए बेला क्यों तो पहले बताओ जो सब जो सकता है।